देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने नंदा देवी की कथा के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि नारद सुनो, बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर एक प्रभंजन नाम के राजा राज्य किया करते थे, जो कि बहुत ही गुणवान शीलवान एवं पराक्रमी राजा थे। एक बार शिकार करने के लिए वो वन में गए और उन्हें वन में किसी जानवर की आहट मिली तो उन्होंने अपना धनुष तीर चला दिया। वो जाके एक हिरनी को लगा जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी घायल हो गई, उसने इधर उधर देखा तो राजा दिखाई पड़े और उसने श्राप दिया कि राजा तुम तो महाक्रूर निर्दयी इंसान हो, अरे स्त्री को दूध पिलाते हुए तो देखना भी पाप होता है, पर तुमने तो मुझे मार ही दिया। मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जाओ तुम इतने निर्दयी हो, इतने क्रूर हो और हिंसक हो कि आज से तुम हिंसक जानवर बन जाओ और लोगों की मांस खाते रहो। उसी समय वह राजा जो प्रभंजन धाम का राजा था वह बाघ बन गया और वन के जीवों का मार कर मांस खाया करता था और बहुत परेशान था। उस हिरनी ने बताया था कि जब नंदा नाम की एक गाय मिलेगी तो तुम्हारे उद्धार का वह मार्ग बताएगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा बाघ बना हुआ इस तरह से पशुओं को मारता और खाता था। एक दिन गायों का झुंड आया जिसमें नंदा नाम की भी एक गाय थी और बहुत ही योग्य और समझदार थी। तो वह गाय चरते चरते बाघ के सामने पहुंच गई तो बाघ ने कहा आज तो तुम मेरे सामने चलकर आए हो और सामने स्वयं चलकर जो आहार मिले उसे भोजन करना तो मेरा कर्तव्य है, धर्म है। तो उस गाय ने कहा कि देखो मैं आपके पास आ गई हूँ, मैं आपको भूखा नहीं छोड़ सकती, आप अवश्य मेरा भोजन कर लीजिएगा, पर मुझे एक बार जाने दो, मेरा बछड़ा भूख प्यास से तड़प रहा होगा, मैं उसे स्तनपान कराया हूँ और फिर मैं आपके पास आऊँगी। बाघ ने एक बार तो कहा कि क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगी मेरे पास? तो उस गाय ने कहा कि मैंने वचन कहा है और वचन को निभाऊंगी, आप देख लेना मैं पुनः वापस आऊंगी। गाय गई, बछड़ा दौड़ करके आया, उसको स्तनपान कराया। गाय को दुखी देख करके बछड़ा बोला माँ तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने सारा वृत्तांत बता दिया कि बेटा देखो मैं वहाँ जा रही हूँ और वह बाघ मुझे आहार बनाएगा, मुझे मेरा भोजन करेगा। तो बछड़ा बोला नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चलूँगा। सारी गायों ने समझाया कि देखो प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व नष्ट होता हो तो ऐसी परिस्थिति में वचन न निभाना भी पाप नहीं लगता। इस तो तुम्हारी जान पर जो बना है बाघ उसके पास तुम मत जाओ। पर उस नंदा गाय ने समझाया कि देखो असत्य के समान कोई पाप नहीं होता और जो प्राणी संसार में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, तो इस नश्वर शरीर की रक्षा के लिए मैं अपने वचन से मुकर करके पाप क्यों लूँ? मैं उस बाघ को वचन दिए हूँ तो मैं अवश्य जाऊँगी। और गाय उस बाघ के पास जाती है और उसे देख करके बाघ आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये मैं उम्मीद नहीं किया था कि पुनः वापस आएगी और स्वयं चल करके अपना जान देने आएगी मेरे पास। उस बाघ ने कहा देवी पहले तो तुम अपना नाम बताओ, तुम कौन हो और इस तरह से अपने वचन का पालन करने के लिए कैसे चली आई? मैं तो परीक्षा लेने के लिए कहा था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम वापस आओगी।
उस गाय ने बताया, मेरा नाम नंदा है और मैं सदैव धर्म पर चलती हूँ, सत्य पर चलती हूँ, सत्य के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, पर आपको वचन दे दिया था इसलिए मैं वापस आई हूँ, मेरा नाम नंदा है। नंदा नाम सुनते ही उस हिरणी की बात याद आ गई तो राजा ने सारी बात अपनी वृत्तांत बताया कि मैं एक राजा था और भूल से मुझसे ये अपराध हो गया था हिरणी के प्रति, तो उसने श्राप दे दिया था और अब माते आप मुझे ऐसा उपदेश करिए कि मेरा भी जीवन इस पाप योन से मुक्ति हो जाए। तो नंदा ने कहा कि देखो, सत्य का मार्ग सबसे श्रेष्ठ होता है और जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा पर चलता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, वह उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। जो पुरुष स्त्री की सुरक्षा करता है, उनको आदर देता है, सम्मान देता है और उसके कल्याण के लिए सदैव लगा रहता है, उसे विष्णुलोक की प्राप्त होती है। इस तरह से नंदा ने धर्म की बहुत सी बातें बताई और उसी क्षण नंदा के उपदेश से वह बाघ तुरंत राजा के वेश में आ गया, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया और अपने राज्य पर जाकर के सिंहासन पर आसीन हुआ। तो मित्रों, नंदा की इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है अथवा सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विश्वलोक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।